पंजाब में आम आदमी पार्टी को अस्पष्ट बहुमत मिल गया है। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत सिंह मान शुक्रवार को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई दिग्गज मात खा गए हैं। आपको प्रचंड बहुमत के बाद पूरे पंजाब के आप कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। पंजाब में सभी 117 सीटों के नतीजे आ गए हैं। आम आदमी पार्टी 92 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं कांग्रेस को 18 सीट मिली है, 2 सीट भाजपा, 3 अकाली दल और 1-1 सीट बसपा और निर्दलीय को मिली है। जालंधर स्पोर्ट्स कॉलेज में बने नॉर्थ मतगणना केंद्र में जैसे ही कांग्रेस के बाबा हेनरी की जीत हुई तो केंद्र से बाहर निकल रहे भाजपा नेता किशन लाल शर्मा पर लात घूसों की बरसात कर दी गई। मतगणना केंद्र से बाहर निकल रहे पूर्व सीपीएस केडी भंडारी की कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हुटिंग की। जैसे ही पीछे से भाजपा नेता किशन लाल शर्मा निकलने लगे तो उन्हें पकड़कर मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ दिए गए। उन्होंने भागकर पुलिस को इसकी सूचना दी। मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने धुरी विधानसभा सीट से 58,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। पंजाब में आपकी जीत पर पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम